हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीपीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट आवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। व्हाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स कंसीडरेड ए यूनिवर्सल ट्रुथ? क्यों जो एक्सियोम 5 है वह उसकी लिस्ट में यूक्लिड ने कंसीडर किया है कि जो एक्सियोम 5 है वह क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, दूसरी चीज दी है, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पॉसिबिलिटी। और आपको ध्यान देना है कि यह एक्सियोम के बारे में बताया गया है, ना कि आपके फिफ्थ पॉसिबिलिटी के बारे में। तो इसलिए मैंने आपके यहां पे एक्सियोम 5 भी राइट कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सियोम 5 होती क्या है हमारे पास। एक्सियोम 5th है हमारे पास, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। फिफ्थ एक्सियोम इसीलिए हमारा जो यूनिवर्सल ट्रुथ माना गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर पूरी चीज है और उसमें से उसका अगर छोटा सा जो भाग होता है, अगर हम उसको लें तो उस पूरी चीज में से वो छोटा भाग हमेशा क्या होगा, छोटा ही रहेगा विद कंपैरिजन उस होल पार्ट में। ठीक है, वो कैसे, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज जब आप बर्थडे के लिए आप केक लेते हैं और उस केक में से अगर आप छोटा सा टुकड़ा काट देते हैं, तो इस छोटे टुकड़े के कंपैरिजन में ये जो पूरा केक है यह हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अब देख लीजिए, ये जो पूरा पार्ट है हमारा केक का और हमने इससे ये छोटा टुकड़ा काटा हुआ है, तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, हमेशा यही बड़ा होगा। अब जैसे हमारे मैथ में भी अप्लाई किया हुआ है, ये हमारे साइंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहो आप जैसे किसी भी चीज को ले सकते हैं, उसमें से हम उसके छोटे से पार्ट को अगर अलग कर दें तो वो बड़ा पार्ट हमेशा क्या रहेगा, उस छोटे पार्ट के कंपैरिजन में हमेशा ग्रेटर देन यानी कि बड़ा ही रहेगा। यही हमारे एक्सियोम 5th में कहा गया है और यह क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं इस बड़ी चॉकलेट में से अगर एक छोटा सा पार्ट या एक छोटा सा टुकड़ा किसी और को दे देता हूं, तो इस बड़े टुकड़े के कंपैरिजन में यानी कि इस चॉकलेट के कंपैरिजन में यह जो छोटा टुकड़ा हमने अलग किया है, इसके कंपैरिजन में ये बड़ा टुकड़ा हमेशा बड़ा ही रहेगा, कभी भी छोटा नहीं रहेगा। अब देखिए, इसको यूनिवर्सल क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे हमारा जो इंडिया है वह एशियन कंट्रीज में शामिल है, जो हमारा इंडिया है। ठीक है, इंडिया जो है एशियन कंट्रियों में क्या है, शामिल है। लेकिन इंडिया कितना भी बड़ा हो जाए, कितने भी ज्यादा वर्ग क्षेत्रफल डिस्टेंस में बड़ा हो जाए, लेकिन इस एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में हमेशा छोटा ही रहेगा। तो यही रीजन है कि जो हमारी एक्सियोम 5th है उसको क्या माना गया है, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ माना गया है। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।